हेलो दोस्तों, हाय, माय यूट्यूब चैनल बेबी ऑफिशियल 385 में आपका दिल से स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अपने हम न्यू घर में आए हैं जो कि मुझे थोड़ी बहुत सफाई सफाई करनी है, तो प्लीज आप कंटिन्यू बने रहे हमारे साथ। देखिए दोस्तों, अभी स्लिप व्लिप कैसे गंदा हो रखा है और मलबा का ढेर देख सकते हैं आप, कितना ज्यादा है मलबा गिरा हुआ है यहाँ पे पूरा। अभी इसको हमें खाली करना है, गत्ता वत्ता है, कट्टे सारे ऐसे देख सकते हैं पड़ा हुआ है। तो ये हमारा प्यारा सा किचन वो हुआ है शीर्षट, और ये फिलहाल हम रूम में चलते एक बार। रूम को मुझे झाड़ू लगाना है सबसे पहले, क्योंकि देख सकते हैं दोस्तों धूल ही धूल भरा हुआ है बहुत ज्यादा। ये देखिए, देखिए दोस्तों कितना ज्यादा गंदा है, बहुत ज्यादा। इधर से भी निकाल लेते हम। ये देखिए दोस्तों, अभी तो कमरा साफ कर रहे हैं, बहुत 10 बार तो पोछा लगाना होगा इसमें, तब जाके साफ होगा ये। देखिए, और इधर देख सकते हैं मेरा लड़का ये चुरा रहा है जमीन में, ये पूरा सफेद गिरा हुआ है ना, पुट्टी बोलते हैं ना उसको, पुट्टी देख सकते हैं। तो इसको हम पट्टी लेके छुरा रहे हैं गाइस, देखिए। ये देखिए हम इसे छुरा रहे हैं दोस्तों, देखिए जमीन पे जो लग रखा है बहुत सारे हैं, ये देख सकते हैं कैसे रखा। देखिए दोस्तों, ये तो कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा था, हमने तो मोटा मोटा छुरा दिए, 3 बार तो पोछा लगा दिए थे। अरे फिर से आए घर में, जैसे जैसे काम चलता है ना वैसे वैसे ये सारे लगा पड़ा है बहुत ज्यादा ही। देखिए दोस्तों, तो हम गैलरी की तरफ ही लगा रहे हैं झाड़ू पूरा, और इतना धूल रहा है, धूल की वजह से पूरा फोन का कैमरा वगैरह सारा गंदा हो गया है। देखिए लगा दिए हैं, और हमारा जीना भी बहुत गंदा है, जो कि इसको यहाँ पे लगा रहे हैं और किचन के पास कर देते हैं इसको ला के एक बार। देखिए दोस्तों, जीना में चले हुए कैसे हो, जीना भी बहुत सारे गंदा है, ये देख सकते हैं कितना गंदा। देखिए पहले सारे में झाड़ू लगा लेते हैं ना, उसके बाद हम पोछा लगाएंगे, एक बार मोटा मोटा पोछा लगा देंगे उसके बाद होगा। ये देखिए दोस्तों कितना गंदा, देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, देखिए रूम में झाड़ू लगा लिए हैं फिर भी पूरे में धूल ही हो गया है, कितना साफ करे, धूल ही धूल निकल रहा है। न्यू मकान है ना तो इसलिए, और इधर भी हमने लगा लिए झाड़ू, और जीना भी हम साफ ही कर लिए हैं देख सकते हैं ऊपर वाला, और फिर नीचे का बच गया। देखिए दोस्तों पूरा का पूरा ऐसे गंदा है, और हम तसले में देख रहे हैं ले जा रहे हैं भर भर के, अब नीचे देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए कितना ज्यादा मलबा है, तसला में भर रहे हैं, तसला भर के गली में डालेंगे इसको हम। डाल दो डाल दो, हाँ बस बस इतना ही ठीक है। और दोस्तों देख सकते हैं आप, हम किचन में से मलबा भर रहे हैं, बहुत ज्यादा मलबा। देखिए एक दो तसला तो हम फेंक दिए हैं, और इधर कट्टे में भर रखे हैं, और भी मेरा लड़का भी इधर भर रहा है, और देख सकते हैं पूरा, ये देखिए। अब फिर इसको ले जाने में भी बहुत दिक्कत होगा, नीचे जाना है हम सेकेंड फ्लोर के ऊपर है मतलब, तो इसीलिए ये देखिए दोस्तों बहुत मलबा है इसमें, कम से कम 5-7 कट्टा होगा, क्योंकि ये पत्थर वगैरह जो लगा था ना टेल वेल किचन में तो तोड़ा गया था ना दीवार को थोड़े थोड़े उस इसलिए। और दोस्तों सोच रहे हैं इस कट्टा को जो है ना इधर से हम गिरा देने की सोच रहे हैं ग्रिल से, और ये नीचे गिरा देंगे और नीचे जाके कट्टा को हम ले आएंगे, क्योंकि ऊपर से ही सोच रहे हैं छोड़ दी इसको गली में, देखिए इसमें, और इतने धूल है, इतने धूल, मेरा तो नक्शा भी गिर गया देख सकते, बाल बाल कैसे हो गया मुंह, कोई नहीं सफाई करते हैं उसके बाद मुंह धो लेंगे जाके।
चलिए दोस्तों एक बार गिराते हैं नीचे कट्टा को पूरा भर के। ये देखिए दोस्तों हम ग्रिल पे चढ़ा लिए हैं और ऐसे इस ढंग से सोच रहे हैं कट्टा को नीचे छोड़ने की। लाहट नीचे गिरा। तो मलबा को नीचे भर भर के हम ऊपर से ग्रिल से ही फेंक रहे हैं उसको और नीचे जाके फिर पलट के और ऊपर को कट्टा लाना पड़ रहा है। और दोस्तों वो एक डेढ़ घंटा हो गया और मैं बहुत थक चुकी हूँ सफाई करते करते। और आज बस मोटा मोटा जो कचरा है ना उसको ही उठा लेते हैं और पोछा वगैरह जो है ना उसको हम कल देखेंगे। और अभी फिलहाल देख रहे हैं और भी कट्टे हम भरने लग रहे हैं यहाँ पे और फिर पोछा उछा थक चुके हैं दोस्तों और देख सकते हैं पूरा एकदम। ये देखिए दोस्तों अभी पूरा हम भरने लग रहे हैं, बहुत टाइम लगेगा ये देखिए। और उधर भी सारे में भी है। अब थोड़े बहुत ये मोटा मोटा बच गया है, ऊपर का मंजिल साफ हो जाएगा हमारा तो फिर टेंशन नहीं रहेगा। ऊपर का मंजिल हम पहले कर लेंगे फिर नीचे का फिर बाद में हम छत पे जाएंगे। ये देखिए दोस्तों झाड़ू लगा रहे हैं हम, इतना ज्यादा है अभी मलबा बहुत ज्यादा है, मलबा ही ये देखिए अच्छे से हम लगा देते हैं। देखिए पता चल रहा है बहुत से दिन रखा है इसको हम जमीन पे खिला देंगे। ले पकड़, देख सकते हैं दोस्तों अब हमारा फाइनली किचन का काम हो गया। रखो बेटा बाबू अब हम करते हैं और मोटा मोटा धूल निकल रहा है देखिए। और इतना मोटा मोटा दो चार सीढ़ियां ये भी साफ कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। ये देखिए दोस्तों ये लास्ट कट्टा हमारा है, हम उठा के और गिरा रहे हैं इस ग्रिल पे। लुक बाबू तो भारी है बहुत ज्यादा, पकड़ो इसको मुंह ठीक करो और नीचे आराम से छोड़ देना है इसको। ठीक है छोड़ो इसको नीचे एकदम बिल्कुल पैरी में से टाके छोड़ना है। छोड़ो छोड़ रहा हाँ छोड़ो बच के चला जा। तो दोस्तों एक बार जो है ना हम मोटा मोटा पोछा लगा के चले जाते हैं, थोड़ा सा धूल कम हो जाएगा क्योंकि दोस्तों अभी रात नहीं हुई है। रात हो जाएगी तो मैं जाऊंगी और मुझे घर भी जाना है दूर थोड़ा, तो मैं बिल्कुल गंदी हो चुकी हूँ इतनी ज्यादा। देखिए बाल बाल सारे सफेद हो गया है, थोड़ा अंधेरा होने का वेट करते हैं जब तक जो बचा खुचा काम है उसको हम कर लेते हैं। तो दोस्तों मोटा मोटा जो है ना ये पोछा लगा देते हैं जमीन पे थोड़ा कीचड़ उचड़ में तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कल तक करने में इसीलिए दोस्तों। तो मेरा लड़का अभी कमरे में थोड़ा लगा रहा है और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ क्योंकि आज अगर एक बार हम लगा देंगे ना तो कल थोड़ा आसानी होगी मुझे ही। और इतनी गंद निकल रहा है दोस्तों देख सकते हैं पोछा सफेद ही हो जाता है बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पोछा लगा लिए और भी लगाएंगे दो बार हम इसको अब फिर जाके चलेंगे। ये देख सकते हैं थोड़ी बहुत धूल साफ हो गई दोस्तों दूर से तरफ। देखिए दोस्तों अब लगाते लगाते बाहर आ चुकी है बिल्कुल ये बाहर से लगा दिए पूरा ऊपर से लगाते लगाते आ गए हैं तो देखिए। तो
दोस्तों थोड़ा बहुत जैसे जो भी हुआ है हम कर दिए हैं, और धूल से काफी हालत खराब हो रखी है, बहुत ज्यादा धूल है हो गया है। और मैं शाम होने की वेट कर रही थी तो शाम हो गया है और अब हम निकल रहे हैं घर पे। और मुझे ये टब भी ले जाना है, देख सकते इसको मैं धो ली हूँ और यही पे हम छोड़ रखे थे टब को 4-5 दिन से, और मैं लेके जा रही हूँ वहाँ पे। और बाकी जो जहाँ था सफाई उफाई कर लिए हैं, और ये ग्रिल को हम एक बार बंद कर देते हैं, कर दिया मेरा लड़का ने बंद। और दोस्तों अंधेरा हो गया, इधर एक बार घुमाते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल, देखिए दोस्तों अब इधर की तरफ से अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। और मुझे जाने में भी 10 मिनट लगेगा, और ऐसे ही जाऊंगी। और एरिया भी ऐसी है कुछ मतलब ठीक ठाक है, तो आप लोग देखिए ये नजारा, पानी वानी भी ना, गली बन नहीं रखा है, तो देखिए आप, तो ये तो ऊपर जो भी जैसा भी सफाई हुआ है मतलब ठीक लग रहा है अब। जैसे भी है थोड़ी बहुत मैंने ऊपर का पूरा के पूरा जैसे भी है कर दिए हैं हम, किचन में लगभग कर दिए हैं। दोबारा तिबारा और भी साफ करना पड़ेगा, पोछा वगैरह लगाना पड़ेगा, गेट वुट भी साफ करना है हमें। लेकिन थोड़ी बहुत जो धूले थी बहुत ज्यादा ही, तो वो क्लियर हो गया है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं नीचे, बल्ब बंद कर देते हैं एक बार, अंधेरा हो गया और बल्ब बंद करके, और फिर हम नीचे जा रहे हैं। और नीचे जाकर मेन गेट वगैरह जो बंद कर देंगे, क्योंकि वेट कर रहे थे अंधेरा का, तो हो ही क्या है। और चलिए दोस्तों फिर नीचे मिलते हैं फिर। तो दोस्तों हम नीचे उतर रहे हैं, और थोड़ा तेज झाड़ू फेंक दिए थे तो जीना थोड़ा सा टूट गया लग रहा है शायद, नहीं जीना नहीं टूटा है, मुझे लगा जीना शायद टूट गया। तो दोस्तों नीचे आ गए, और नीचे का दोस्तों अभी हम नहीं करेंगे फिलहाल, बहुत ज्यादा ही काम फैला हुआ है, पूरा भरा पड़ा है ऐसे ही। अब हम जा रहे हैं घर, ये पकड़ना बेटा एक बार, घर मिलने। तो दोस्तों हम वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, उम्मीद करूंगी कि ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज हमें सपोर्ट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हो सके तो कमेंट भी करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत मुश्किल से बनाते हैं वीडियो, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता है, सबसे चोरी छिपी मैं वीडियो बनाती हूँ और डालती हूँ, और बहुत मेहनत करती हूँ सबसे चोरी छिपी। तो हमारा ये छोटा सा मकान की सफाई कैसे लगा है, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। और अभी कुछ भी नहीं सफाई हुआ है मुझे, 25% ही समझिए सफाई करी हूँ मैं, और कल भी आऊंगी कल वाले ब्लॉग में और भी दिखाऊंगी आप लोग जो क्या कैसे करती हूँ मैं, नहीं करती हूँ थोड़ी बहुत जैसे भी हुआ हमने कर दिए हैं वो ऊपर का, और नीचे का तो गदर मच रखा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की ब्लॉग में, और फटाफट हमारे वीडियो को जाके देखिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो बाय, लव यू, हमारे यूट्यूब फैमिली, खुश रहे और खुशियां बांटते रहे।